बार अनुमंडल की खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज बार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज नागरिकता संशोधन एक्ट के बारे में आज हम सब विचार विमर्श कर रहे हैं। राजद के रजनीकांत और जाप पार्टी से हैं अजय कुमार, राजद से हैं कृष्णदेव पंडित और किरण सर, हम सब जानते हैं इनको, और राजेश कुमार राजू हैं भाजपा से, और जदयू से हैं हमारे कौशलेंद्र कुमार है, जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि एनआरसी अभी आई ही नहीं है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अमित शाह ने संसद में एकदम पक्का और किला ठोक करके उन्होंने कहा है कि पहले CAA आएगा और उसके बाद NRC लागू होगा और पूरे देश में लागू होगा। अब एक चीज देखिए, ऐसा कानून है कि एक तरफ तो ये CAA के तहत जो है ये नागरिकता देंगे और अपने ही लोगों को नागरिकता के का जो है ये आप नागरिक हैं भारत के कि नहीं, अपने ही देशवासियों से ये नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगेंगे, कागज मांगेंगे। आप जिनके पास कोई कागज नहीं है उनको ये नागरिकता देंगे, ऐसा काम करेंगे विरोधाभास। एक तरफ ये कानून में नागरिकता देने की बात है और दूसरी तरफ जो है एक नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। सुधारिए, बताइए, जनता ने 2000 जनता को गुमराह करने के लिए, मैं बताता हूँ कि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों का जमीन हम अपने का ही सब, झारखंड में आपको खाता भी नहीं खुला, झारखंड में आप जाइए NRC और CA के विरोध में आपको झारखंड में आपको जदयू के कहीं 2000 वोट भी विधानसभा में आने का काम नहीं हुआ, और राष्ट्रीय जनता दल वहाँ 4 सीट पर 2000 के अंतर से चुनाव हारा है और 1 सीट चुनाव वहाँ जीता है राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल बिहार और झारखंड दोनों में मजबूत है, 1 सीट जीत कर बहुत मुकाबले में। जी जी, हमको बहनी हो गया है, उसी आपको मुबारक हो भाई। बिहार चुनाव में जनता ने आपको बता दिया था, झारखंड में झलक दिखाने का भी प्रयास किया है, समझ जाइए जनता जाग चुकी है और आपके मोटो को अच्छी तरह से समझ रही है। आप लोकसभा और राज्यसभा में समर्थन करते हैं और बिहार में मुसलमानों और दलितों का वोट पाने के लिए विरोध करते हैं, कहते हैं कहते हैं कि लागू नहीं होगी, आपने समर्थन क्यों किया? हम लोग ना हिंदू की बात भी करते हैं, बताना चाह रहा हूं सहयोगी आपके सहयोगी सबसे ज्यादा, ये जो बता रहे हैं कि ये जो कामयाब पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बीजेपी का शुरू से एजेंडा रहा है हिंदू मुसलमान करना, उनका राम मंदिर 370 लेकर के मुद्दा ये समाप्त हो चुका था। ये बड़ी ही चालाकी के साथ ये कानून ये लाकर पूरे देश में ये हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हिंदुस्तान की जनता नकार दिया। हिंदुस्तान की जनता, हिंदू मुसलमान सब एक होकर इस कानून का विरोध कर रहा है, क्योंकि CAA कानून जब तक NRC नहीं होगा तब तक इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप कैसे उसको ये साबित कीजिएगा कि ये कहां से आए हैं, नहीं आए हैं, इसलिए पहले NRC होगा फिर ये कानून लागू होता है। और अपने ही देश के नागरिकों को, नागरिकों से जो बड़ी आबादी है जिसके पास कोई कागजात नहीं है, वो अशिक्षित है इस देश में, और ये लोग आसानी पूर्वक लागू हो गया, शांति से कहीं देश में कहीं भी थोड़ा सा भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। राम मंदिर इतनी बड़ी मुद्दा थी, इतनी बड़ी मुद्दा थी, बहुत आसानी से सोल्व हो गया, कहीं देश में कोई दंगा नहीं हुआ। इन लोगों को इस कानून के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम हुआ, किसी की नागरिकता जाना नहीं है, लेकिन मुसलमान भाइयों को इन लोगों ने भड़काने का काम किया कि आपकी नागरिकता चल जाएगी, आप यहां से निकाल दिए जाएंगे, और इसके माध्यम से इन लोगों को विरोध करने का मौका नहीं है। इस कानून के आने के बाद इन लोगों ने धारा मुसलमान को और राम मंदिर पर भड़काने का काम बात नहीं हुआ, भड़का के रोड पर बहुत अच्छी बात है, चूंकि जनता कभी सहयोग की भी राजनीति करना जनता नहीं समझती, अच्छा भी नहीं समझता, अच्छा याद कहेगा तो आप लोग नकार देंगे, आपके जनता समर्थन किए, आप समर्थन किए राम मंदिर का, हम लोग समर्थन किए ना, अच्छे कामों का समर्थन होता है, समर्थन करने का काम किया हम लोग, लेकिन क्या मुस्लिम इस कंट्री का नहीं है? क्या मुस्लिम इस कंट्री का नहीं है? मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान का हिंदू मुस्लिम क्यों, भारत और मुस्लिम बीजेपी का एजेंडा है,
थे आज 3.7% बच गए। कहाँ गए हिंदू? मैं बताता हूँ, ये पूंजीपतियों की सरकार है। कहाँ गए पाकिस्तान में हिंदू? कहाँ गए सरकार के पाकिस्तान में हिंदू? और भारत में भारत की संख्या बढ़ी। ये सरकार जो है ये देश का बंटवारा आधार पर हो, बाबा रामदेव को जिन्ना का विचार था। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो, ये जिन्ना का विचार था, ये सावरकर जी के विचार थी। और यहाँ के मुसलमानों ने जिन्ना के विचारों को ठुकरा कर वो हिंदुस्तान को चुना था, हिंदुस्तान को भी लगाया था, वो हिंदुस्तान से प्रेम करता था और उसने उसने जिन्ना को ठुकरा दिया था। और आज आज से बीजेपी वाले फिर उस जिन्ना को खड़ा कर दिए हैं। आज फिर जिन्ना के विचारों को देश में इधर सावरकर के विचारों को घर का माचा बना के रखा हुआ है। आज यह जो कानून बना है, यह इतनी अच्छी कानून बना है, हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के हर पब्लिक और जितने दल है राजनीति करने वाले, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वाले को तो कुछ पता न चलता है, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम। नया में हमारे जाप के भी प्रतिनिधि हैं, हम चाहेंगे भाई अजय जी को कि आप भी हिंदू और मुस्लिम की राजनीतिक में नहीं फंसे, विकास की राजनीतिक में फटे, आपसी सद्भावना की राजनीतिक में बसे। और इन्हीं सब कहकर यह जो कराए हैं, डिबेट कराए हैं, हम चाहेंगे कि हर गली और मोहल्ला में इसका समर्थन होना चाहिए और यह डिबेट होना चाहिए। धन्यवाद। यदि हूँ या भाजपा या एनडीए के हैं भाई, तो एनडीए जो कहती है उसके ठीक उल्टा करती है। उन्होंने कहा मैं देश नहीं बेचूंगा, अब देश की हर सरकारी संस्थान को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा को मैं दुरुस्त करूंगा, और उसके बाद उल्टा किया जा रहा है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में एक ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया जा रहा है, वहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज घुस घुस कर करके किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस पर एक शब्द नहीं स्टेटमेंट आता है प्रधानमंत्री जी का या माननीय गृह मंत्री जी का, एक शब्द स्टेटमेंट नहीं आता है। जेएनयू में घुस करके जो है गुंडों ने पीटा वहां के छात्रों को, लेकिन एक एक शब्द स्टेटमेंट उसके खिलाफ अभी तक नहीं आया है, ना मुझे सुनने को मिला। तो ये सब क्या, ये जितनी भी चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम कहते हैं कि एक दूसरे पार्टी ना करें, लेकिन खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा के तंत्र में ध्यान देना चाहिए विकास, लेकिन खुद विकास के आज का काम नहीं हो रहा है। की बात है तो हमारे पास पुराने कानून थे और उसके तहत भी हम उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे सकते थे, लेकिन इनको हिंदू मुस्लिम करना था, इसलिए जानबूझकर वहां से मुस्लिम सब इन लोगों ने हटा दिया। और इस देश में एक नई जो प्रयोगशाला बना रखे हैं अभी दोनों गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी, नया प्रयोग करने के लिए आगे बढ़े। ये देश इस चीज को नकार चुका है, देश की 70% आबादी इस कानून का विरोध कर रही है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। ये हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, और यहाँ सभी धर्म को लोग को हम साथ लेकर चलने का हमारा संविधान इजाजत देता है। आपने जो किया है वो हमारे संविधान के मूल भावना से छेड़छाड़ है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1955 में ही लागू हुआ था और इस कानून के माध्यम से नागरिकता जो भी अल्पसंख्यक बाहर में थे वो भारत में आके नागरिकता ले सकते थे और लिए। इंदिरा गांधी भी 1970 में नागरिकता देने की काम की है। श्रीलंका से भी कुछ शरणार्थी आए, उनको भी नागरिकता देने का काम किया गया है। बस इसमें थोड़ा सा बदलाव अभी अमित शाह जी ने किया कि जो 11 साल का समय सीमा था उसको 5 साल कर दिया, और मुस्लिम को इसलिए बाहर किया गया इससे कि बगल का जो इस्लामिक कंट्री हो, पूर्ण इस्लामिक कंट्री है, वहां धर्म के नाम पे ही वो देश है, लेकिन भारत है जो धर्म के नाम पर नहीं है, यहां सभी के धर्म के लोगों का सम्मान है। इसलिए यहां सिर्फ 6 धर्म को ही रखा गया, हिंदू सिख ईसाई बौद्ध पारसी और ईसाई। धन्यवाद। ये जाना जाए कि देश को पहले ये जानिए कि देश के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटवारा किसने कराया, वो कांग्रेस के समय में हुआ। जहां पाकिस्तान में हिंदू 23% थे, जिसमें सबसे ज्यादा दलितों की संख्या थी, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में रुके थे दलित, क्योंकि वो बोलते थे कि उनके पास भाड़ा नहीं था आने का,
उस समय से आज लिया जाए तो पाकिस्तान में 1% हिंदू बच गए हैं। अगर जो वहां के हिंदुओं को चाहे मुस्लिम छोड़ गए, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है, वहां के हिंदुओं चाहे सिख को यहां सीए के तहत नागरिकता देने की बात होते कहां पर गलत हुआ है? धर्म के नाम पर तो बंटवारा कांग्रेस ने ही किया था कि पूरे मुस्लिम वहां जाएंगे और बाकी सब गलत हुआ है। ये जो प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि ये खास करके राजू जी बोले कि देश सभी धर्मों का है, तो फिर मुसलमानों को क्यों बाहर किया जा रहा है? और इस देश में जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना उसे बाहर किया जा रहा है, जो जिन्ना को राष्ट्रपिता माना पाकिस्तान में जाकर उसे भारत की नागरिकता दी जा रही है। आखिर इस देश के युवाओं की महिलाओं की चिंता क्यों नहीं है? महिलाओं पे लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, इन्हीं का सरकारी का रिकॉर्ड बोलता है, बेरोजगारी दर बढ़ गई है, महंगाई बढ़ा हुआ, उस पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? और इन्हें चिंता है पाकिस्तान के हिंदुओं की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अरे भैया, पहले यहाँ के तो नागरिक की चिंता कीजिए।